वेलकम टू स्वादिष्ट किचन विद रिंकी। आज हम बनाएंगे चिकन खिचड़ी। चिकन खिचड़ी बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी होता है, तो चलिए इसे बनाते हैं। अगर रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गरम पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल गरम हो जाए तब इसमें 4 चीरा लगा के हरे मिर्च, आधा क्यूब में कटा हुआ गाजर, 6-7 लंबाई में कटा हुआ बीन्स और एक मीडियम साइज़ का रफली कटा हुआ प्याज डालेंगे और सारे सब्जियों को 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। 2-3 मिनट फ्राई करने के बाद अब सब्जियों को हम अलग से रखेंगे और दूसरे पैन में 3 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। और ऑयल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तब इसमें 1/2 टीस्पून जीरा और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे और जीरा को थोड़ा सा भून लेंगे। जीरा भुन जाए तब इसमें 150 ग्राम छोटे पीस में कटा हुआ चिकन डालेंगे और इसे 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। चिकन की क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। 2-3 मिनट के बाद इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट, नमक 1/2 टेबलस्पून या टेस्ट के हिसाब से, लाल मिर्च पाउडर 1/2 टेबलस्पून, जीरा पाउडर 1/2 टेबलस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून। खिचड़ी के सारे मसाले हम अभी डालेंगे और सारे चीज़ों को मिक्स करते हुए 4 से 5 मिनट तक चिकन को भून लेंगे। 4-5 मिनट के बाद इसमें फ्रेश कोकोनट डालेंगे 2-3 टेबलस्पून, इसे मैंने फाइनली चॉप्ड कर लिया है, और इसे मिक्स करते हुए चिकन को और 2 मिनट तक भूनेंगे। इसी के साथ ही इसमें एक मीडियम साइज़ का रफली कटा हुआ टमाटर डालेंगे और टमाटर को भी सारे चीज़ों के साथ मिक्स करते हुए भून लेंगे। अब इसमें फ्राई किया हुआ वेजिटेबल्स डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे सारे चीज़ों के साथ। अब इसमें डालेंगे बॉईल किया हुआ 1.5 कप दाल, इसमें मैंने चना दाल और मसूर दाल ले लिया है, और बॉईल राइस 1 कप। राइस को मैंने 90% बॉईल कर लिया है। अब सारे चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाएंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स होने के बाद अब इसमें हम पानी डालेंगे 1 कप। पानी आप उतना ही डालिए जितना आपको खिचड़ी गाढ़ा या पतला चाहिए। अब सारी चीज़ों को फिर से एक बार मिलाएंगे। अब ऊपर से 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे, ये होममेड गरम मसाला पाउडर है, और इसे कवर करके रखेंगे 5 से 6 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे। 5-6 मिनट के बाद लीड को हम खोलेंगे और करछी से खिचड़ी को एक बार मिलाएंगे। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून सब्जी मसाला, आप कोई भी सब्जी मसाला डाल सकते हैं, और थोड़ा सा चॉप्ड किया हुआ धनिया पत्ता। अब इसे भी खिचड़ी के साथ मिक्स करेंगे और हाई फ्लेम पे खिचड़ी को 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे। 2-3 मिनट के बाद हमारा खिचड़ी बनके तैयार हो चुका है। देखिए ये एकदम थिक बन चुका है। अब इसे हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे, ऊपर से गार्निश करेंगे फ्राई किया हुआ प्याज और धनिया पत्ते से। आप भी इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको ये खिचड़ी बहुत ही अच्छा लगेगा।